गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सैम, सैम द थॉर, हैशटैग सैम द थॉर। सो आज का प्लान है नोएडा जाने का। भैया ने प्लान किया हुआ है, कैप इसलिए लगाई, थोड़ा बाल वाल थोड़ा सेट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा मुझे भी अब करना पड़ता है, बट कर लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं नोएडा, एक इवेंट है, बहुत अच्छा इवेंट है, वो मैं आपको थोड़ी देर में आगे पहुँच के बताऊँगा। बढ़िया इवेंट है, और हम आज कालू को सिर्फ जेएस भैया के पास जाके छोड़ देंगे वहीं, और वहाँ से जाएंगे हम पोर्शे में। भाई पोर्शे लेके जा रहे हैं, तो आज पोर्शे में हैं दोनों, राइड वाइड लेंगे, मज़े करेंगे दोनों भाई। हम गाइस तो फाइनली पहुंच गए हैं जेएस भैया के पास, और गाड़ी रेडी हैं। आज कालू नहीं लेके जाएंगे, भैया की हर्षित भैया की जाएगी इको एंड स्पोर्ट्स कार, क्योंकि आज हम जा रहे हैं नोएडा बूथ सर्किट, लॉन्च कंट्रोल है वहां पे, स्पोर्ट्स कार आएंगे ऑल इंडिया से, और ट्रैक पे रेसिंग होगी, अच्छा रहेगा, बहुत मज़ा आने वाला, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। मतलब वो जो बाइकों का साउंड था ना, आज स्पोर्ट्स कार, जितने भी स्पोर्ट्स कार हैं, एग्जॉस्ट लगे होते हैं भाई, बहुत महंगे महंगे, पर सच में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो अभी यहाँ से निकलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, पर मैंने ना वैसे क्या करा, भैया के आने से पहले ना दो प्लेट छोले कुलचे खा गया, मैं कुलचे खा चुका हूँ, तो मैं दो प्लेट मैं दो प्लेट खा चुका हूँ भाई साहब। मैंने आपको भेजा था ना कि आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो अभी सेटअप कर रहे हैं, बट चलो मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा दिन होने वाला है। बट ट्रैक पे थोड़ा डेंजर भी रहेगा, क्योंकि इतनी फास्ट दौड़ती हैं कि मतलब हमने दिल्ली में देखा होगा कि थोड़ी बहुत एक्सीलेट करता है, भागी बूम रुक गई, वहाँ तो भाई जो स्पीड देखने को मिलेगी ना, वो अलग लेवल होने वाली है। और मैंने ये इसलिए पहन लिया क्योंकि मेरे बालों की कंडीशन बिल्कुल मतलब लेंथ बढ़ गई है, वो इधर उधर भाग रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे ना, अब हम ट्रैक पे चले जाएंगे, अभी स्टिकर्स वगैरह लगेंगे, अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, रजिस्ट्रेशन बॉर्डर है, हाँ अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लंबा है, और अभी हम यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, अंदर लाइन में लगे हुए हैं, थोड़ा यस काम करवा के आ रहे हैं, और अपनी दोनों यहाँ खड़ी स्पोर्ट्स भी और भाई साहब पोर्शे स्पोर्ट्स भी, पोर्शे और इको स्पोर्ट्स, हाँ दोनों हमारी दोनों स्पोर्ट्स कार यहीं खड़ी है भाई, सीधी सी बात ही है। तो भैया अभी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, आ रहे हैं, और भाई मैंने अपनी पन्नी वन्नी उतार दी है, टी शर्ट में आ गए हैं, क्योंकि गर्मी होने वाली है अब, तो चलो थोड़ा सा इंतजार, और भाई फिर ट्रैक पे आज भाई बहुत मजा आने वाला, सच में बहुत लाउड से दो तीन गाड़ियाँ देखी अभी, एग्जॉस्ट मस्त वाले हैं सच में, पैसा यहाँ फूक रखा लोग, अभी स्टार्टिंग नहीं हो गया। जलती है ब्रो। तो पिट में गाड़ी आ रही है और यहाँ टायर चेंज हो रहे हैं गाड़ियों के। पहुंच चुके हैं जहां पे हमें रेस मिल रही है, और आप देखें स्पीड, अब कुछ टाइम बाद ना, बस थोड़ा सा वेट है, फिर मैं और भैया भी ट्रैक पे जाके बहुत मस्ती करने वाले भाई, और सब लाइन में भाई, कितने अभी वेट करते हैं, हाँ भाई विनीत कैसा है, ठीक है,
तो विनीत भी आ गया है फाइनली। विनीत हमेशा बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। फाइनली आ गया है सन्यासू। तो भैया नंबर देख रहे हो भाई गाड़ी। आप सुन रहे हैं बहुत मजा आ रहा है सच में। मैं स्पोर्ट्स का जो एक्सपीरियंस यहाँ करना, बस अपना वेट करेगी हम कब ट्रैक पे जाएंगे। और ये और यहाँ पे बाइक ड्रिफ्टिंग का चल रहा है। अभी आपको थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट का दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे ना बाइक टायरों में आग लगा रहे हैं लोग बहुत गंदे वाली। और भैया कह रहा रुकने का मन नहीं कर रहा, कह रहे चलेंगे चलेंगे। हमारे कैमरा मैन हमारा भैया नहीं आया अभी और गाड़ी कुछ ऐसी लग रही है खड़ी है। और वहाँ पर ड्रिफ्टिंग, चलो आपको कुछ ड्रिफ्ट दिखाते हैं। भाई यहाँ पे ना लोग सच में पागल हो रखे हैं, अमेजिंग ना। टायर में आग लगाने आए हैं टायरों में बस और कुछ नहीं भाई, अमेजिंग।
तो फाइनली भैया दोबारा ट्रैक पे जा रहे हैं और अमेजिंग होने वाला है, मतलब सच में ये ना पागल करने वाला, जो एक्साइटमेंट लेवल है ना बहुत अलग है इसका, कि बार बार जाओ बार बार जाओ। तो चलो जाना है तो फिर जा ही सकते हैं, अमेजिंग अमेजिंग। एक लाश और मिल गई है, बट भाई ने बहुत अमेजिंग यार, मतलब नेक्स्ट लेवल। हमारे सामने पहला टायर ये ब्लास्ट हुआ अभी, बट सच में अमेजिंग सुपर। तो भैया ने इतने टायर रगड़ने के बाद ना भाई वो भूल गए कि रोको 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 रोको, ये भाई हमारा टायर फट चुका है बिल्कुल, और ये वही आवाज आ रही थी बहुत बुरी तरीके से, ये टायर फट चुका है, सारा ग्रिप खराब हो चुका है। सो भैया आपके शौक से एक काम है कि 35,000 पक्के हो चुके हैं, हाँ, तो एक बार प्लीज आप अपने चरण कमलों को बाहर लाइए, एक बार आप दर्शन कीजिए। साइड वॉल बिल्कुल चली गई है, मतलब एक बार चेक कर लीजिए। I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the... So, pa, आपका dream पूरा हो गया है ना? Tire blast करने का? पाड़ दिया भाई, पाड़ दिया। दिल खुश हो गया पैदल रहेगा। But सच में? Traction. मेरा दिमाग भी यही चला कि भाई हाँ, वो दिमाग में नहीं है कि ग्रिप क्यों पकड़ रही है मैं, क्योंकि हम भी थार में करते हैं ना, तो ट्रैक्शन ऑफ करना पड़ता है हर किसी में, ट्रैक्शन के चक्कर में नहीं होगा, नहीं जब समझ आई तब तक गेम ओवर, और जब तक हमारा गेम ओवर हो चुका है भाई। नहीं, अभी ट्रैक पे क्या हुआ है, दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है टर्न पे, एक ब्रेक लेके टर्न कर रहा था पीछे स्पीड में, भड़ाक से BM थी दोनों, और उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, दोनों को इमरजेंसी एम्बुलेंस बुलाई गई है, एयर एम्बुलेंस उसके थ्रू भेजा जा रहा है, और गाड़ियाँ भी वहीं हैं, क्लिप सिर्फ एक बंदे के पास है, उसका भी ड्रोन जब्त कर लिया, बट भाई वो डाउनलोड कर गया अपनी क्लिप क्लिप, बट सही दिमाग था यार, चलो क्या कर सकते हैं, बढ़िया रहा। और चलो तो ट्रैक से आ गए थे वहाँ से, क्योंकि दोनों टायर नए डलवा रहे हैं भैया, तो क्योंकि ट्रैक डलवा रहे हैं दोनों टायर अगले, अब नए डलवाने पड़े हैं भैया को, क्योंकि अभी ट्रैक भी बाकी है और दोबारा ड्रिफ्ट करने का पूरा पूरा चांस है। तो यहाँ कुछ ऐसा है, हमें I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad, after her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees, my imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees, I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little... प्रॉब्लम और आ गई है, जो अभी भैया ने बताया कि एक्सीडेंट होने के बाद ना ट्रैक को बिल्कुल जो लास्ट थे वो ही चल रहे हैं, अब सो कि हमारा टर्न आ जाए इतना जल्दी, उसके भैया गए हुए बात करने के लिए, और बस मुझे भी ट्रैक पे जाना है, मैं भी बैठ के देखना चाहता हूँ। टॉप स्पीड यार 250 260 300 कितना भाग सकती है, तो पोर्शे की राइड में मिस नहीं करना चाहता, तो बस वेटिंग कर रहे हैं, वेट है, वेट 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 चल रहा है, गाड़ियाँ पड़ रही है, मतलब ऑलमोस्ट मोस्टली जब जा चुके हैं, और वो एक्सीडेंट होने के बाद थोड़ा सा माहौल बदल गया है, सीरियस इंजरीज हुई है। तो गाइस अपनी गाड़ी आ गई ट्रैक पे, और ये से पिट बोलते हैं, और यहाँ पे ट्रैक पे आ गई, अब अपना नंबर है, अब हेलमेट वेलमेट पहनेंगे और निकलेंगे एक लास्ट राइड, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है, अब यहाँ से आधा घंटे बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, तो लास्ट राइड है ये, हमने काफ़ी ड्रिफ्टिंग का टाइम वेस्ट कर दिया, काफ़ी चीज़ें ऐसी होगी कि भाई जिसकी वजह से भैया वहाँ पे चले गए और यहाँ पे फिर आगे। बस अब ट्रैक पे रेस हो गया, मज़ा आ रहा है।
ये ट्रैक पे थे क्या हो? छोटे हैं, इससे छोटे हैं सारे छोटे। नहीं नहीं सेम सेम है, ये अच्छा नहीं लग रहा क्या? इतना बढ़िया लग रहा है, कलर है बढ़िया, छोटे इससे तो इससे छोटे भैया। बड़ी हाइट वाइट हाइट लग रही है भैया। यार वो ना हार्ले के साथ मैंने वहां छोड़ दिया, यहां पे हार्ले खड़ी करी। कालू के साथ मैच कर रहा जी। तो यहाँ पे हेलमेट पहन लिए, ये बढ़िया था। और इसकी मैं एलियन लग रहा था। और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना ये कहाँ के आने वाला भाई। ट्रैक पे चलने का टाइम आया और ट्रैक पे दोबारा खबर आई है कि गाड़ी रुक चुकी है। हम अभी अनन्या भाई और ये जयेश भाई ना अंदर बैठ के जोक मार रहे थे कि भाई हमारी किस्मत में नहीं आ रहा है, तो समझ नहीं आ रहा क्या बात हो रही है। उसके बाद आखिरी में कह रहे हैं फिर से बंद हो गई क्या, क्यों जा क्यों नहीं रहे अभी तक। हाँ जी भैया जी, क्या भैया जी वक्त लगेगा भैया जी? लगेगा भैया जी, ठीक है भैया जी। कैमरामैन फोकस करें, गाड़ी की चाबी तो हवा निकाल रहे हैं भाई। तो भाई पहले कम थी अब ज्यादा है, हवा निकाल रहे हैं। बढ़िया से थोड़ी सी और, अभी और किसको निकलवानी गाड़ी की हवा? बैटरी भी हो गई लो और अपना लास्ट राइड था वो भी हो गया है। अच्छा रहा, मज़ा आया, पूरा दिन भी बहुत अच्छा था। ड्रिफ्ट देखा, स्पोर्ट्स कार्स देखी, एक अच्छा एक्सपीरियंस होने हुआ। और अभी भूख लगी, अब यहाँ चलेंगे निकलेंगे हैं, कुछ रास्ते में खाएंगे और बस आज के एपिसोड को करते ही ख़त्म। और अपना ब्यूटी बहुत अच्छी लग रही है पोर्शे, और इसकी फर्स्ट राइड थी कि मैं 220 की स्पीड में इसमें राइड ली है। और ये एस्टन मार्टिन की कुछ गाड़ियाँ आई हुई थी कंपनी की, वापस जा रही हैं, बस ये बहुत लग्जरी गाड़ियाँ हैं, इनका तो मुकाबला ही नहीं है। फरारी भी अपने पीछे खड़ी हुई है और अपनी पोर्शे। तो ठीक है गाइस, ख्याल रखना, खुश रखना, माँ बाप का ख्याल रखना, मज़े करो जो करना लाइफ में, जिंदगी एक बार मिलती है यार। तो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।